गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेनू कटवाल। आज मैं हिंदी साहित्य पाठ दो पढ़ाऊंगी आपको। पाठ का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। ये देखो, भालू ने खेली फुटबॉल। अब हम इसको पहले पढ़ाते हैं, फिर इसको समझाऊंगी मैं आपको। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक़्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना, जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अच्छा, इसका अर्थ समझ लेते हैं कि सर्दियों का मौसम था, ठंड का मौसम था, और सुबह जो है तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया था। शेर का बच्चा जो है वो सिमट कर गोल मटोल जामुन के पेड़ के नीचे क्यों सोया था? क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, इसलिए वो ऐसे सोया था जैसे बिल्कुल फुटबॉल की तरह ही एकदम गोल मटोल करके सो गया था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अच्छा, भालू साहब जो हैं वो घर से तो निकल गए सैर करने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन उन्हें ठंड लग रही थी और वो पछता रहे थे कि अरे मैं क्यों आया हूँ आज। लेकिन तभी उनकी जो नज़र है वो जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। और बच्चों, वहाँ क्या था आपको पता है ना? ये देखो, जामुन के पेड़ के नीचे क्या है, ये शेर का बच्चा जो है गोल मटोल ठंड के कारण जो है वो सो रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर भालू ने क्या किया, आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इसे खेल कर ही कुछ गर्मी हासिल की जाए। अच्छा, उसने आंखें फैलाई मतलब आँखों से उसने देखा और अपनी अक्ल को दौड़ाया कि वाह, आज तो मुझे फुटबॉल मिल गया है। और मन ही मन में सोचने लगा कि मेरे को जो ठंड लग रही है तो इस फुटबॉल को उछालता हुआ चलूँगा तो मैं खेलता चलूँगा तो गर्मी मेरे शरीर में हासिल हो जाएगी। ये देखो, ये भालू है और ये इसने फुटबॉल को उछालने में शुरू कर दिया है। आगे है, आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने तो पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ के एक डाल पकड़ ली। देखो बच्चों, क्या किया, आओ देखा ना ताओ, भालू ने जो है ना इधर देखा ना उधर देखा, उसने तो पैर से जो उछाला शेर के बच्चे को, और वो शेर का बच्चा जो है उछल के कहाँ गिरा, पेड़ की डाल उसने फट से पकड़ ली। वो और वो जो घबरा के चिल्लाया भी और उसने पेड़ की डाल को पकड़ लिया, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अच्छा, जैसे ही देखो भालू ने क्या किया, ये पैर से उछाल दिया ने इसको, ये यहाँ पे देखो, ये इसने डाल पकड़ ली, ऊपर पकड़ ली। इसके बाद जो है उसने क्या करा कि जैसे ही डाल टूटने लगी, भालू साहब ने समझ गया कि ये टहना जो है वो टूटने ही वाला है, और उसने जो है जल्दी से दोनों जो हाथ हैं उनके, वो दोनों हाथ जो है आगे को लपक कर उस शेर के बच्चे को पकड़ लिया। ये शेर का बच्चा नीचे गिर रहा है और उसने फट से अपने दोनों जो है पाँव को जो है हाथों को जो है वो जल्दी से आगे करके इसको पकड़ लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, दो बार, तीन बार, फिर बार बार यही होने लगा। देखो यहाँ पे भालू जो था वो तो डर गया था कि बच्चे को मैंने बॉल समझ के ऊपर उछाल दिया, लेकिन वो जो शेर का बच्चा था उसे तो उछलने में मज़ा आने लगा और वो तो भालू दादा को बार बार कहने लगा। भालू दादा ने एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार यही उसे उछालने लगा। शेर के बच्चे को उछालने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि जो शेर का बच्चा था उसे तो मज़ा आ रहा था कि उछाल रहे हैं और मैं खेल रहा हूँ। परंतु भालू थक कर परेशान हो गया। भालू तो बेचारा थक गया, वो तो एक बार करता, दो बार, बार बार करके वो बेचारा थक गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया। ओहो, किस आफत में आ फंसा। बारहवीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। लेकिन ओहो, किस आफत में आ फंसा, उसने बोला कि ओहो, इसलिए तो मैंने बार बार उछालने में किस आफत में आ गया। मैंने तो इसको 12 बार उछालते भी उछाल दिया, लेकिन जब लास्ट में 12वीं बार उछालने लगा तो भालू ने तो घर की ओर दौड़ लगाई और वहाँ से गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया।
डाल भी टूट गई। अच्छा अब की बार जो है वो यहाँ देखो ये भालू का जो ये जो भालू है ये तो भाग गया, इसको उछालते हुए भाग गया और वो ऊपर टहने में लटक गया, यहाँ देखो ये लटक गया। लेकिन अब तो उसने पकड़ा नहीं उसको क्योंकि वो तो भाग गया, वो थक गया था भालू तो। लेकिन अब की बार शेर का बच्चा जो है वो धड़ाम से ज़मीन में आकर गिर गया और डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पे बरस गया। माली आया और वो शेर के बच्चे पे गुस्सा होने लगा कि डाल तोड़ दी पेड़ की डाल तोड़ दी और लाओ मेरा हरजाना लाओ। शेर के बच्चे ने कहा जरा माली जी मैं जरा ठीक तो हो जाऊँ, मैं आपका हरजाना दे दूँगा, अभी ठीक होने दो। माली ने कहा चलो ठीक है आप ठीक हो जाओ। माली ने वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी, माली जैसे ही वहाँ से थोड़ा सा आगे तक गया और शेर के बच्चे ने तो 9-2-11 कर लिए हो गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाई। 9-2-11 मतलब वो तो एकदम भाग गया वहाँ से कि भाई जान बच जाएगी वही मेरी लाखों पाए। अच्छा बच्चों अब मैं आपको ये जो हूँ पाठ का जो है वो 3-4 बार आपने रीड करना है और इसको अच्छी तरह आपको रीड करना है, पढ़ना है। आपको हिंदी पढ़ना बिल्कुल अच्छी तरह आनी चाहिए। और इसके बाद मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ, ये है कठिन शब्द। यहाँ देखो सर्दियों, मौसम, सुबह, वक्त, कोहरा, सिमटकर, गोल, मटोल, जामुन, भालू, साहब, पछता, आँखें फैलाई, अक्कल, दौड़ाई, फुटबॉल, गर्मी, हासिल, आगे देखो हड़बड़ी, दहाड़ा, फुर्ती, लपक, उछालने, बारहवीं बार, गायब, धड़ाम, आगे है बच्चों हरजाना, 9-2-11 बस। अच्छा बच्चों आपको ये जो है अपनी कॉपी में लिखना है। पाठ एक भी आपने कंप्लीट कर दिया होगा, ये पाठ दो है, इसके कठिन शब्द करो, फिर मैं आपको आगे मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी, सब कुछ लिखवाऊंगी, ठीक है? साफ साफ लिखना। बाय।